हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैय इंस्टीट्यूट। तो आज जो बिहार बोर्ड क्लास 12 का मैथ्स का एग्जाम हुआ है ना, उसके हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, है ना। ये सेट हमारे पास सी है। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आप आंसर को क्वेश्चन के थ्रू मैच कर सकते हो, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट आंसर देखना है, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, रूट लॉग रूट एक्स का। तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स, और फिर एक्स का कीजिएगा रूट एक्स का, 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना। इसका आंसर कीजिएगा तो 4 sin x आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आंसर बता रहे हैं। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो ये और फिर x का होगा तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। d का आंसर हो जाएगा अपने को 24x, है ना। फटाफट बता रहे हैं ताकि 100 क्वेश्चन है तो टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए, रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का ये, तो इसका आंसर बी बनेगा। इसका आंसर आपका 6 का सी आंसर बनेगा। डी का आंसर क्या बनेगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स टू दी पावर एन, है ना। तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, है ना। अगला इसमें बोल रहा है क्या, ए बी सी, इसको क्या करना है आपको, ऐसे बना लेना है, है ना। ए ए बी सी, और यहाँ पे 1 2 3, तो सारे एक दूसरे को मैच कर रहा है, ए 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ। ये हो जाएगा 1 1 एंड 1 2 फंक्शन हो जाएगा। 9 10 नंबर कॉट इनवर्स एक्स का इसका आंसर बन जाएगा। तो फॉर्मूला माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये बन जाएगा एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। इसका मूल बिंदु से दूरी पूछा है ना, दूरी फॉर्मूला लगा दीजिए मूल बिंदु से, तो ये तो 0 हो गया मूल बिंदु का। इसका हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 50 आएगा, ये 5√2 हो जाएगा। इसका आंसर 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 नंबर, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x2 - x1, y2 - y1, और z2 - z1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर 13 आता है, 13 आएगा। ये तो फॉर्मूला है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। साइन 2x का क्या होगा, cos 2x, और फिर 2x का 2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। tan का होता है sec स्क्वायर kx, और फिर kx का k हो जाएगा, तो इसका आंसर d हो जाएगा, है ना। x प्लस 2, इसको अलग अलग लिख सकते हो, x इंटू dx प्लस 2 इंटू dx, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और प्लस 2 का बार dx का x, प्लस साथ में कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 3, तो 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। cos पाई बाई 2, यहाँ पे cos x का क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन cos का sin, और sin पाई बाई 2, है ना। तो इसको वैल्यू रखिएगा, पाई बाई 2 में 1 हो जाएगा, है ना। इसको में क्या करना है, इसमें sin x को t पुट कर दो, तो sin x को अगर t पुट करते हो तो cos x dx dt यानी t dt हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0, ये इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा देखो, जब a और a का कम्प्लीमेंट, है ना, मतलब a तो है, इसका कम्प्लीमेंट करोगे तो रो को कॉलम और कॉलम के रो में कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो 2 cos, और यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है 1, तो 2 cos α 1/2, 1/2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर नेसेसरली एसिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, है ना, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अगर इसका डिटरमिनेंट देख चेक करो, 1 1 - 0 यानी 1 आ गया, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, है ना। इसका ए और डॉट बी, और ए डॉट बी में देखो 2 का 1 के साथ तो -2, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया -5, ए डॉट बी कर देना है, 27 हो गया, है ना। इसका आंसर 0 हो जाएगा। आई जे, है ना, आई जे के लिखना है ना, आई जे और के, तो यहाँ से आई के क्या दे देगा, आई के उल्टा चल रहा है तो माइनस जे हो जाएगा। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल होगा नेगेटिव में। ई पावर एक्स डी एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स से होगा, और लिमिट रखोगे 0 से 1, तो ई पावर 0, और किसी भी नंबर पावर 0 का मतलब 1, तो ई पावर यहाँ 1 यानी ये हो जाएगा। देखो यहाँ से cos 3x है, लिमिट x 0 करना है, ये 0 हो गया 0, तो ये ऐसे ही जाएगा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, हम तो लोग क्लास में याद करवा देते हैं इसको।
यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स ये होगा माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला था ये कॉट माइनस ये इसका आंसर ये 70 माइनस 70 यानी जीरो हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वन, ये भी वन, ये भी ये वन, ये वन, ये डी हो जाएगा, इसका आंसर 5 नंबर बनेगा 39 का, है ना। चलिए अच्छा इसका देखिए, इसमें एक में लिमिट तो ठीक था, एक में लिमिट उल्टा है। अगर हम लिमिट को उल्टा करके लिख दे, मतलब इसको तो लिख देंगे अल्फा से बीटा फाइव एक्स और डी एक्स, और इसको लिमिट को रिवर्स कर ले रहे हैं, मतलब अल्फा नीचे बीटा ऊपर, तो ये माइनस साइन आ जाता है, तो यहाँ से इसका आंसर जीरो हो जाएगा। इसको अगर टी एक्स टी पुट कर लीजिएगा, है ना, इतना को टी और फिर इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करके, तो ये आंसर आ जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स का, कॉट स्क्वायर एक्स का इसका जब करेंगे तो माइनस कॉट एक्स आएगा, एक्स इसको सॉल्व कीजिएगा ये आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 14/3 आएगा इसका आंसर, है ना। कॉस का ये माइनस वन हो जाएगा, कॉस सॉरी वन, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, है ना। कॉस एक्स का इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कितना आ जाएगा, वन होगा या माइनस वन होगा, फटाफट बता दीजिए आप लोग। कॉस एक्स का इंटीग्रेट करना है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है अपने पास साइन एक्स, है ना, तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स और साइन का वैल्यू पाई बाई टू, तो ये वन ही होगा इसका, तो आंसर हो जाएगा डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का, लॉग एक्स हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन, और यहाँ पे लिमिट दिया है वन, वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, यहाँ पे कॉट रूट थीटा तो इसका बन जाएगा आंसर जीरो, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर इसका टू बनेगा, है ना, यहाँ से आप रखेंगे वैल्यू, पुट करके वैल्यू बनना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब भी होगा तो इसमें पुट करके बनेगा, तो ये हो जाएगा इसका पाई बाई फोर आंसर। इसके लिए क्या करना है देखो, यहाँ से इसका आंसर इधर बनाते हैं ना, तो ये तो डिफरेंशिएशन दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो एक्स वाई इक्वल टू के हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद इसका आंसर ये बनेगा 52 का, इसका क्या निकालना अपने को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू दी पावर यहाँ p है ना, तो e टू दी पावर पी एक्स हो जाएगा, पी डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं, k क्रॉस i, है ना, तो आई जे के होता है ना, आई जे के, तो k क्रॉस i हो रहा है, k क्रॉस i तो माइनस k क्रॉस i, एक मिनट, i जे के, तो के आई ऐसे जा रहा है तो जे होगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, इसका आंसर ये है। एक्स वाई जेड ऐसे जा रहा है तो इसका आंसर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो इसको रिवर्स में लिखेगा जेड वाई एक्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको कीजिएगा तो ई टू दी पावर एक्स का, तो ई टू दी पावर एक्स और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, इसका आंसर डी बनेगा, इसका आंसर लॉग 3 हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ से 1/3x लॉग एक्स का, और फिर ये 3x और ये log e to the power, ये cancel out हो जाएगा, log e to 3 बच जाएगा यहाँ से, इसको आंसर ये हो जाएगा 58 का, है ना। आगे i j k, k का k का साथ cross 0, log 2dx इसका ये हो जाएगा, a dot a अगर perpendicular है तो a dot b 0 होता है, a b cos theta होता है, cos 90 0 हो जाएगा, j k, j k क्या हो जाएगा, i आई जे के, तो जे के आई आई डॉट आई वन होता है, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऐसे करके, तो इसको क्या करो, लॉग को छोड़े, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डीएक्स का इसका, और जो छोड़े इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन होता है ये इंटीग्रेशन, तो एक्स ही हो गया इंटू डी एक्स, कट जाएगा डीएक्स का एक्स प्लस सी, तो इसका सी हो जाएगा, इसका आंसर वन आएगा, है ना। ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन होता है, इसका आंसर 90 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे आगे 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो एबीसी ए पी ए पी बी ये हो जाएगा, इसका वैल्यू वन होता है, ये तो आपको पहले से, इसका आंसर बी बन जाएगा, ये इसका मैक्सिमम आंसर 16 आएगा, ये 70 का आंसर 16 हो जाएगा मैक्सिमम का। चलिए आगे, टेन स्क्वायर एक्स का, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स,
है ना, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर का 2x, ये बी हो जाएगा। कॉट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, और कॉट एक्स का कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये फार्मूला बन जा रहा है ना 3 का, यहाँ से भी फार्मूला 3 साइन एक्स का बनता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा साइन रूट एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और फिर रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। ये तो फार्मूला बन रहा है 1 बाई रूट टेन इनवर्स, 2 कॉन्स्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है इसका। आगे चलिए, अच्छा इसका हो जाएगा देखो x टू दी पावर नहीं, ये n a n माइनस 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 दे देगा कांस्टेंट टर्म में, तो 0 हो जाएगा इसका, ये सही होगा। ये तो फार्मूला है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, ये log x ये सही हो जाएगा। इसका देखिए कितने बार, इसका जो डेरिवेटिव है ना कई बार है, तो 2 बार डिफरेंस, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल और ए प्लस बी का होल, और ये इंटू डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 और माइनस एक्स का एक्स का डी एक्स का एक्स प्लस, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 2 टेन इनवर्स एक्स, तो फॉर्मूला बन जाता है ये, इसका भी फॉर्मूला है, इसका आंसर माइनस पाई बाई 6 आएगा। ये देखिए ये पाई बाई 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू पाई बाई 2 आएगा, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू पाई बाई 4 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 0 आएगा, 86 का आंसर सॉल्व कीजिएगा 0 आएगा, ठीक है। अच्छा इसको इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ये भी 0 देने वाला है, और इसको सॉल्व करना होगा ना, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि टाइम लेगा है ना, आपको आता है ना ये लेना है, ये खत्म ये खत्म है ना, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका इसका मल्टीप्लाई, फिर जो भी होगा माइनस 11 लेंगे, फिर ये खत्म इसका इसका मल्टीप्लाई, और फिर इसका मल्टीप्लाई, उसी तरह प्लस 13, और इसको इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 36। इसको आंसर सॉल्व कीजिएगा है ना, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 आएगा सर है ना, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, इसको आप 3 बार लिखोगे, -1 -1, ये 1 -1 -1, एक बार इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसका आंसर ये होगा। चलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आंसर में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो है ना। इतना क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, क्या होता है मैट्रिक्स, इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, क्योंकि आप चेंज कीजिएगा ना, A13 A31 बन रहा है, तो ये है ना, ये सिखाए थे A31 अगर A31 हो जाए, A12 A21 के इक्वल हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में सिमेट्रिक होता है, और नेगेटिव हो जाता है तो SQ सिमेट्रिक होता है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें देखिए 4α = 16, तो α = 4, इसमें टेन इनवर्स एक्स 1, और टेन 1 का मतलब π/4 इसका आंसर हो जाएगा 92 नंबर। 93 देखिए cos, ये cos π / ये तो π / 2 बना, cos π / 2 0 होता है, देखिए sin वाला भी दिया था cos, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अपने ख्याल से कहा जाए तो, इस बार का और साल की अपेक्षा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और देखिए ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर, फार्मूला का माइनस तो प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये है ना cos 2x को क्या लिख सकते हो, cos 2x को लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है ना, बाय cos x प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, ये आप लिख सकते हो a माइनस b cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x है ना, बाय कितना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, एक्चुअल में फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है, तो ये बन जाएगा ये log x, ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको 0 होना चाहिए इसका आंसर 96 का है ना, इसका 0 हो जाएगा, tan माइनस थीटा है ना। अगला देखिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3a आंसर आएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा 3a आंसर आएगा, a डॉट a, ये a स्क्वायर दे देगा, a डॉट d a स्क्वायर देगा, इसका लैम्डा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका गुणांक कर रहा है तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा
है ना, और एक बार रिवाइज कर लीजिए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।